स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जिसके अंदर मैंने जो रैंडम वेरिएबल की बात करी थी जिसमें कंटिन्यूस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वन डायमेंशन में आपके सामने मैंने बताया था, जहाँ पे हम लोगों ने लाइक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस किया, बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल एक्सपोनेंशियल इनके मीन वेरिएंस एमजीएफ, देन उसके बाद मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन देन रैंक कोरिलेशन ये सभी यहाँ वीडियोज अपलोडेड। स्टूडेंट यहाँ पे आई टेप पे जाके आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आप देखिए बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है, एक तो होता है मार्ज जॉइंट पीएमएफ और जॉइंट पीडीएफ और एक होता है मार्जिनल पीएमएफ मार्जिनल पीडीएफ निकालना। एक यहाँ पे स्टैटिकल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट भी आता है कि रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई अगर बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों केसेस के अंदर। तो स्टूडेंट ये जो मेरा वीडियो है ये मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कंटिन्यूस बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता क्या है। सो यहाँ पे लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रियल रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट है ना, लेट एक्स टी एंड वाई टी बी ए टू रैंडम फंक्शन ईच असाइन अ रियल नंबर टू ईच आउटकम टी बिलोंग्स टू एस देन एक्स कोमा वाई वाई इज कॉल्ड अ बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल और टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट मैं भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ अभी जस्ट इसके बाद, तो उस एग्जाम्पल से आपको ये थ्योरी भी समझ में आ जाएगी कि मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहां होता है बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, इफ द पॉसिबल ऑफ एक्स कोमा वाई आर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट देन एक्स वाई इज कॉल्ड टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे वन डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है वैसे टू डायमेंशनल का होता है, बस यहां पे दो वेरिएबल होते हैं राइट। बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इफ एक्स एंड वाई कैन बी अज्यूम्ड ऑल वैल्यूज इन स्पेसिफाइड रीजन आर, मतलब सभी वैल्यू होगी वहां पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, सब हर पॉइंट पे वो डिफाइन होता है, सो एक्स वाई इज कॉल्ड टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं बाईवेरिएट, एक तो होता है कंटिन्यूस बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके सामने जो ये क्लास लेने वाला हूँ ये स्पेशली मेरी जो होगी वो रहेगी बाईवेरिएट रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है जो मैं बता चुका हूँ आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉइंट पीएमएफ जॉइंट पीडीएफ सॉरी जॉइंट पीएमएफ मार्जिनल पीएमएफ और मार्जिनल पीएमएफ वाई देन यहाँ पे कंडीशनल पीएमएफ दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे हम निकालते हैं ये सब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्क्रीट बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल के अंदर। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है या इसको जॉइंट मास जॉइंट पीएमएफ भी बोलते हैं दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल है तो जॉइंट वर्ड आएगा यहाँ पे। इफ एक्स वाई इज अ टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वेर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल टू वाई जे देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई वाई इज इक्वल टू वाई जे is equal to PIJ is called probability mass function or joint probability mass function of XY provided सभी की probability 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए plus double summation of PIJ की value क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। The set of triplet this is called joint probability distribution of XY। Student देखो ये definition है, ये आपको हो सकता है समझने में कुछ दिक्कत हो बट मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा तब आपको और ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि इसका एग्जैक्ट मतलब होता क्या है ठीक है। नाउ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई ये कैसे निकालते हैं हम। अगर हमें एक्स का निकालना है तो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू समेशन आई जे और जे पे लगेगा यहाँ पे मतलब जे टू जे वन टू लाइक एन तक जाएगा पी वन पी आई वन प्लस पी आई टू इस तरह से चलेगा ये है ना। द कलेक्शन ऑफ पेयर एक्स आई कॉमा पी आई इज कॉल्ड मार्जिनल पी एम एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली हम लोग मार्जिनल पी एम एफ ऑफ वाई को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं है ना, वाई इज इक्वल टू वाई जे समेशन यहाँ पे किस पे लगेगा आई पे लगेगा पी आई जे पी आई पी वन जे पी टू जे इस तरह से चलेगा। द पेयर ऑफ वाई जे कॉमा पी जे इज कॉल्ड मार्जिनल पी एम एफ ऑफ वाई।
अब यहाँ पे इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको इसका मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स निकालना है, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई निकालना, फिर इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वापस वो जॉइंट पीएमएफ के बराबर हो जाए तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो स्टूडेंट ये स्टैटिकल इंडिपेंडेंस भी इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ये जो पूरी थ्योरी है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और बाकी रह गया, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई और कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी अपन क्वेश्चन पे आते हैं सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट का कंसेप्ट क्या होता है। सो देखिए, टू बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग थ्री रेड टू ग्रीन और फोर व्हाइट बॉल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी बॉल है बॉक्स के अंदर, बॉल कितनी देर की अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है थ्री रेड बॉल, है ना, तो थ्री तो रेड बॉल है और यहाँ पे क्या दे रखा है, टू ग्रीन बॉल है एंड कितना है, फोर व्हाइट बॉल है। तो फोर क्या है यहाँ पे, व्हाइट बॉल है, ठीक है, ये एक बॉक्स है आपको दे रखा है, राइट। इफ द एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल, तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, रेड बॉल है, तो रेड बॉल जीरो भी हो सकती, वन भी हो सकती, टू भी हो सकती, थ्री भी हो सकती, क्योंकि ये रेड बॉल को डिनोट कर रहा है। और वाई किसको डिनोट कर रहा है, देखिए वाई डिनोट कर रहा है, द वाई आर द एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल, तो वाई जो डिनोट कर रहा है वो ग्रीन बॉल कर रहा है। तो ग्रीन क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है और टू हो सकती है। तो आपको पहले इस तरह से रेंडम नंबर्स देने पड़ेंगे एक्स और वाई को, क्योंकि एक्स यहाँ पे रेड बॉल है और वाई यहाँ पे क्या है, ग्रीन बॉल है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से आप क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना दें ऐसे करके, ठीक है, ये बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, है ना। फिर आप क्या करें, इस तरह से लिख लें इसकी वैल्यू, यहाँ पे आप x लिख लें या आप यहाँ पे x लिख लें, यहाँ पे y लिख लें, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, वन आ रही है, देन टू आ रही है, देन थ्री आ रही है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको लिख लें यहाँ पे, जीरो वन टू। नाउ y की वैल्यू, y कितना आ रहा है यहाँ पे, जीरो आ रहा है, वन आ रहा है एंड टू आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, टू आ रहा है और यहाँ लिख दें आप टोटल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका टोटल, ठीक है ना। ये आप एक बार इस तरह से इसको लिख लें, ठीक है, यहाँ भी ये आ जाएगा ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा, जैसे एक्स को आपने रेड बॉल लिया इसलिए हमने जीरो वन टू थ्री, क्योंकि रेड बॉल टोटल कितनी है, तीन है, तो यहाँ पे नंबर देंगे जीरो वन टू थ्री फोर, एक का तो जीरो वन टू थ्री फोर हो जाएगा। और वाई हमारे पास ग्रीन बॉल है तो क्या आएगा, जीरो वन टू आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए आप, है ना, इंक्लूडिंग अमंग द टू बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे दो बॉल निकालनी, कितनी निकालनी है, दो बॉल निकालनी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो, है ना, मतलब दो बॉल निकाल रहे हैं हम, पर दोनों बॉल में से ये भी नहीं आ रही और ये भी नहीं आ रही, दोनों जीरो जीरो है, है ना। तो इसका मतलब वो दोनों बॉल कौन सी निकल रही है, व्हाइट निकल रही है। तो पहले हम देख ले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वैल्यू है, मैं 0.0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आए, 0.0 मतलब दोनों ही 0.0 निकले, इसका मतलब दोनों क्या निकलेगी, वाइट निकलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास वाइट कितनी है, 4C2 और टोटल हमारे पास कितनी है, 4 और 2 6 6 और 3 9, तो 9C2 आएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, 4 × 3 / 1 × 2 और ये आएगा आपके पास 9 × 8 1 × 2, कैंसिल करेंगे, है ना, ये कितना आएगा 3 3 जा और ये आएगा 4 2 जा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/6, समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये देखें, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, है ना, तो क्या आएगा, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू कितनी, 1, मतलब एक बॉल ग्रीन आ रही है और रेड बॉल एक भी नहीं आ रही है, रेड बॉल एक भी नहीं आ रही, एक ग्रीन आ रही है, इसका मतलब बची हुई जो एक आ रही है वो कौन सी आ रही, व्हाइट आ रही है ना। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, 2C1 / 4C1 / 9C2, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये तो 2 × 4 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा 9 × 1 / 2, तो ये आएगा, ये से ये कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2/9 आएगी, क्लियर। इस टाइप से हम वापस वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, 0.2 की। तो 0.2 मतलब ये x 0 आए और वाइट बॉल कितनी आए, सॉरी ग्रीन बॉल कितनी आए, 2 आए, है ना, तो ग्रीन बॉल 2 आए, तो और वाइट ये जो रेड बॉल है ये आई नहीं, है ना, तो ऑब्वियसली दो बॉल ही निकालनी, अपन दो ही बॉल निकाल रहे हैं ना, और दोनों की दोनों क्या आ जाए, ग्रीन आ जाए, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ग्रीन हमारे पास कितनी है, 2, तो 2C2 / 9C2, तो 2C2 की वैल्यू 1 होती है ना, और 9C2 स्टूडेंट यहाँ क्या होगा,
9 × 8/1 × 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/36 आएगी, क्लियर है। तो इस तरह से हम टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसी टाइप से जैसे मैं आपके बोलूँ नेक्स्ट क्या आएगा, 1,0 आएगा, तो 1,0 का मतलब एक क्या आ रहा है यहाँ पे, रेड आ रहा है और ग्रीन जीरो आ रहा है, तो एक रेड आ रहा है और ग्रीन जीरो आ रहा है, मतलब क्या हो गया, दो गोल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब एक रेड आ रही तो ऑब्वियसली एक व्हाइट आ रही होगी, क्योंकि ग्रीन तो आई नहीं रही है ना। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 3C1 और एक क्या आएगा, व्हाइट आएगा अपॉन 9C2, तो स्टूडेंट यहाँ आएगा ये 12 है ना, या इसको आप लिख लीजिए 3 × 4, ये आएगा 9 × 8/1 × 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2, 3 जा है ना, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी, क्लियर है। इसी टाइप से स्टूडेंट हम बात करेंगे आगे P1,1 की, तो एक रेड और एक ग्रीन, एक रेड और एक ग्रीन आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3C1 × 2C1/9C2 है ना, तो 3C1 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 2/9 × 8/1 × 2, तो 3 × 3 = 2, 4 × 4 से इसको कैंसिल किया तो 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1/6। इसी टाइप से हम बात करेंगे अगली, एक वैल्यू और बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिखने का बताऊंगा। तो हमारे पास क्या X1 और Y2 है ना, तो X1 और Y2 मतलब हम दो बॉल निकाल रहे हैं, दो बॉल में से एक तो वाइट, एक तो रेड होनी चाहिए और दो ग्रीन होनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम निकाल तो दो बॉल रहे हैं, पर एक रेड हो और दो ग्रीन हो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर हम बात करेंगे इसकी 2,0 की है ना, तो स्टूडेंट क्या होगा 2,0 है ना, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे, दोनों के दोनों कौन से निकाल रहे हैं, रेड निकाल रहे हैं, तो रेड की वैल्यू क्या होगी 3C2/9C2, तो स्टूडेंट आएगा 3 × 2/1 × 2 / 9 × 8/1 × 2, ये से ये कैंसिल, 3 जा और ये आएगा 2 4 जा, तो ये आएगा 1/12। ऑब्वियसली यहाँ 2 और 1 है, तो ये भी जीरो आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, 3 0 ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि हमें दो निकालनी और यहाँ पे 3 और 0 मतलब 2 3 आ रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इन सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, जीरो होगी। तो स्टूडेंट मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना होता है, लाइक हमें यहाँ पे जो कहानी निकालनी वो ये सबकी वैल्यू निकालनी, पर इन सबकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये टेबल का कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले आप ये कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दें है ना, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 6 और 6 हो जाएगा, देन यहाँ पे इसका 4 है ना, तो 9 × 4 = 8 है ना, तो ये 8 आएगा है ना, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको हम ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 6 और 14, देन 15/36 आएगा आपके पास वैल्यू है ना, देन इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 12 है ना, और ये आएगा 6, तो ये आएगा 18/36, ठीक है ना, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम चाहते हैं कि दोनों का नीचे 36 हो जाए, तो मैं इसको लिख दूँ 3/36, देन यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। नाउ इसको ऐड करेंगे हम है ना, तो 1/3 1/6 अभी हमने ऐड किया, तो इसकी वैल्यू आएगी 18/36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 36 बना तो ऊपर 8 हो जाएगा, प्लस 6 8 और 6 14 14/36, और स्टूडेंट ये आएगा 1/36 है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। ये सब वैल्यूज़ निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि भैया हो क्या रहा है यहाँ पे है ना। तो देखो हमने क्या करा यहाँ पे, मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे, अच्छा ये 18 नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा, देखो यहाँ पे हम करेंगे तो 6 है ना, यहाँ हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 है ना, तो 6 आएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 है ना, 12 3 है ना, 3 और 15 और 6 18, दैट इज 18/36 आ रहा है यहाँ पे है ना, 18/36 ही आएगा, 12 और 3 15 और 21 20 1/36 राइट। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, अब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपने इन सब की टोटल वैल्यूज निकाल ली स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट में है यहाँ पे 1 आना चाहिए, देखो इन सबको ऐड करो आप, तो 15/36 + 18/36 + 3/36, तो स्टूडेंट ये हो रहा है 36/36, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ रही, और इनको भी आप ऐड कर लें तो ये 21 और 14 35 और 1 36/36, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही। मैं फिर से बता दूँ आपको, आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ निकालनी है, फिर इन सब को ऐड करने पर 1 आना चाहिए, इन सब को ऐड करने पर 1 आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो ही हमारी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या थी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, डबल समेशन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ सबको ऐड किया, फिर वापस हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 1 आना चाहिए, यहाँ पे इन सबको हमने ऐड किया, फिर इन सबको ऐड कर रहे हैं तो वापस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अगर ये है
तो फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा आपको। बट पहले आपको ये निकालना आना चाहिए स्टूडेंट, मैं फिर से बता दूं, 0-0 का मतलब हम दो बॉल निकाल रहे हैं और ये फर्स्ट वाली जो एक्स है ये रेड बॉल को डिनोट कर रहा है, तो रेड बॉल भी जीरो है, ग्रीन बॉल भी जीरो है, इसका मतलब दोनों की दोनों व्हाइट बॉल निकल रही है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। देन 0-1, तो रेड बॉल तो जीरो है और ग्रीन बॉल वन है और एक व्हाइट बॉल निकलेगी, है ना। तो इस हिसाब से इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहां पे 2-0 की वैल्यू तो आएगी, पर 2-1-0 होगा क्योंकि हम दो बॉल निकाल रहे हैं और ये बोल रहा है कि एक दो बॉल तो रेड निकले और एक बॉल ग्रीन निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। अब मैं आपको इन सबकी वैल्यू निकालना सिखाता हूं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो तो यही है, हमारा टेबल है, है ना। तो ये फर्स्ट का आंसर है हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये जो एक्स है इसको लिख लो यहां पे। तो एक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0, 1, 2, 3, और यहां आ जाएगा हमारे पास पी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारा x है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी टोटल वो कितनी, देखिए ये सामने लिखी हुई है यहाँ पे, इसको लिख लीजिए आप, कितना आएगा ये 15/36, 18/36 एंड 3/36 और यहाँ पे ये 0। सो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x होगा। स्टूडेंट कुछ नहीं करना, ये x को लिख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इसको लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x। नाउ आपसे पूछ रहा है एक और, क्या पूछ रहा है, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y। तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y ये भी हमें दोनों पूछ रहा है, x और y। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, y को लिख लीजिए, तो y यूं रह गया, है ना। तो y लिख लेंगे हम यहाँ पे, y क्या आएगा हमारे पास 0, 1, 2, और स्टूडेंट ये 0, 1, 2 और इसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी इसके सामने लिखा हुआ है, ये इसके सामने यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बताइए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी y होगी और इसकी वैल्यू होगी 21/36, 14/36, 1/36, ये हमारा क्या होगा, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई होगा, ठीक है। अब हमसे एक और चीज पूछी जा रही है और वो ये पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई, आई मीन एक्स गिवन y इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं आपको बता दूं इसको लिखते कैसे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालने जब y की वैल्यू क्या है 1 है, ये पूछ रहा है आपसे। तो स्टूडेंट आपको कंडीशनल pmf ऑफ x निकालना है, तो पहले x को लिख लीजिए, ये जो x है इसको यहां लिख लीजिए। तो x हमारा कितना है, देखिए यहां पे x हमारे पास दे रखा है 0, 1, 2 एंड 3, राइट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p x अपॉन y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। This is called conditional PMF of x given y is equal to 1. तो y is equal to 1 कहाँ रहेगा स्टूडेंट, y is equal to 1 यहाँ रहेगा, दिख रहा है ये y is equal to 1। देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्या करेंगे हम, है ना, क्या करेंगे, आपको सबसे पहले 0 पे निकालना, तो 0 पे 2/9 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस करना, क्योंकि हमें y is equal to 1 पे पूछ रहा है। तो y is equal to 1 का मतलब ये होता है इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी उसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना। तो यहाँ होगा 2/9 अपॉन क्या होगा 14/36, तो पहले मैं काम करता हूँ, इसके नीचे भी 36 बना देता हूँ, तो ये आएगा 8/36 अपॉन 14/36, तो ये 36 से 36 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/14, या फिर हम इसको बात करेंगे तो 4/ कितनी आएगी, ये 7 आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1 पे क्या होगा, 1/6 और 14/36, तो 1/6 से तो पहले 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/36 अपॉन 14/36, तो 6/36 अपॉन 14/36, स्टूडेंट ये से ये क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, है ना। या आप ये जो था ना इसकी वैल्यू 8/14 रख दो, सबसे बढ़िया रहेगा ये, है ना, 8/14। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6/14। अब यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा सीधा 0 आएगा। सो दिस इज कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछे कि कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू 2 में क्या, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 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 आ जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछे कि कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि कंडीशनल पीएमएफ ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 1, तो y का है तो y की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ये 0, 1, 2,
है ना, फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना। अगर x इज इक्वल टू 1 दे रखा तो 18/36 डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय, है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे हम जॉइंट पीएमएफ निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पे मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x निकालते हैं, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालते हैं, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1 निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और पार्ट मैं आपके सामने लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा कि जॉइंट जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है बाइवेरिएट उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो और भी लाइक, ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ लेके आने वाला हूँ और आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है जरूर आपके एग्जाम के लिए हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले सो देट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता रहता हूं। थैंक यू।